देखिए ये ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पर पूरा बिल्कुल जो है ना बच्चे गंदा करके रख दी है। मैं आपको इसकी पूरी सफाई करके दिखाऊंगी। और ये छोटा सा फैन है, इसे भी मैं साफ करके पैक करके रख दूंगी क्योंकि इसमें बहुत कम हवा आती है। सिर्फ मैं सिर्फ किचन में थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। और ये है फ्लावर वास, आज इन सब की मैं पूरी सफाई करूंगी। और मैं ये लाई थी ऑलरेडी, मैं छोटे व्लॉग में बताई थी मैं आप इसको बॉक्सेस रमज़ान के लिए बहुत अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के भी है ये बॉक्सेस। तो इस तरीके से मेरा रूम है, तो ये पूरे रूम के आज मैं करूँगी पूरी क्लीनिंग और इसकी सफाई। बेडशीट भी छूँगी मैं पूरा। तो इस तरीके से है अलमारी, देखिए मैं अलमारी को पूरा क्लीन कर ली थी और अलमारी बिल्कुल मेरी जो है ना क्लीन, नीट और क्लीन है। तो यहाँ पर देखिए मैं अलमारी इस तरीके से मैं पूरे कपड़े जमाती हूँ बच्चों के। और ये साइड से देखिए मेरे हस्बैंड की अलमारी है, बस डेली वेयर पहनने के हैं इनके कपड़े वगैरह। झाड़ू वगैरह हो जाने के बाद लास्ट में इसका मैं काम करूंगी, इसको मैं अच्छे से वॉश करूंगी, फिर इसको इनकी जगह पर रख डालूंगी। अब मैं ये रूम को झाड़ू नहीं लगाऊंगी, इसे मैं करूंगी पूरा फुल वैक्यूम। पहले हर जगह की जो है ना, पहले मैं जगह पर हर चीज़ रख के उसे साफ कर ले और लास्ट में जो है ना वैक्यूम करूंगी। फिर उसके बाद पूरे फ्लावर वास वही जो है ना उसे अच्छे से धो के उससे जगह पर रख दूंगी। तो यहाँ पर भी मैं पूरे हॉल को जो है ना यहाँ पर भी पूरी वैक्यूम करूँगी। और देखिए इस तरीके से मेरा हॉल है। और इसके बाद यहाँ पर आता है मेरा ड्राइंग रूम। तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह तो अभी नहीं बिछाई हूँ, यहाँ पर मैं बेडशीट बिछाऊँगी और यहाँ की भी पूरी सफाई करूँगी सोफ़ों की वगैरह की। उसी के बाद यहाँ पे जो है ना मैं इसे वैक्यूम करूँगी यहाँ पर भी। और यहाँ पर देखिए ये तो मैं बिल्कुल पूरा एक दिन पहले साफ़ कर ली थी बिल्कुल। इस तरीके से मेरा शोकेस है यहाँ पर। तो ये मेरा पूरा सेट, डिनर सेट है, ग्लासेस है, जग्स है, कप्स है। और ये पूरे इसे मैं पूरे अच्छे से क्लीन कर ली थी और सिर्फ यहाँ पर मुझे वैक्यूम करना है। और थोड़ा सा वैक्यूम करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी।